So, yo, भाई लोग कैसे हैं आप सभी। और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना आरिश खान। और गाड़ी तो बहुत अच्छी चल रही है। चलो हम अपना वो भी देख लेते हैं, कोई कस्टमर हमारा। तो गाइस आज हम चला रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी कार। इसको देखकर हर बंदा बोलता है कि काश यार ये कार मेरे पास होती। ये लॉस एंटोस वाले की, इसकी लाइट्स डीआरएल्स बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं और एक करोड़ों की कार है दोस्तों। और आज हम इसमें उबर चला रहे हैं। हम बेसिकली ओला का नाम आज हम ओला में चला रहे हैं, आज हम उबर में नहीं है क्योंकि उबर बहुत सस्ती है, हम थोड़ा ओबर में ओला महंगा है। ओके तो सर आ जाओ बैठो ओला की कार में, आज हम ओला की ड्राइविंग कर रहे हैं, मज़ा आएगा सर आपको, बैठो। बताइए सर कहाँ छोड़ दूँ। और हमें सारे सक्सेसफुल मिशन करने, फास्ट भी छोड़ना है गाइज और गाड़ी को डैमेज भी नहीं करना है क्योंकि आज हमारा चैलेंज है ये। हम हर बार ऐसे ही कर देते हैं, डैमेज हो जाती है गाड़ी। गाड़ी को डैमेज मत करो, आराम से चलाओ और अपनी सवारियों को भी दिक्कत ना दो। ऐसे अगर करोगे तो आप बहुत कामयाब होने वाले हो इस बिजनेस के अंदर। अगर ऐसा नहीं करोगे तो भैया मुझे नहीं लगता कि तुम कामयाब हो पाओगे, ठीक है। इंटीरियर देखो कितना ज्यादा शानदार है गाड़ी का। क्यों सर मजा आ रहा है? मजा आ रहा है सर, एकदम लग्जरी फील आ रही होगी ना। हाँ ओला की बस मैं ही कार चलाता हूँ ये वाली, और सबसे महंगी राइड भी है दोस्तों इसकी। बस बात सुनकर इस चीज की खुशी होती है कि लोग $22 थे ना, देखो $8 टिप दे के गया। थैंक यू सर। अब हमारा अगला कस्टमर भी ऊपर ही है। कोई माउंट चिलियार्ड का कस्टमर में मिलेगा क्या? शायद अब देखते हैं, कोई लड़की हो कस्टमर तो मजा ही आ जाएगा। लड़की लग रही है, वो लड़की है भैया। चलना नहीं है क्या मैडम? योर व्हीकल इज कमिंग। यार ये लड़की है, कितनी ज्यादा वो कर रही थी भाई। ठीक है मैं मोड़ लूंगा, तो वैसे भी आंटी जी हैं। ठीक है आंटी जी, कह रही है भैया आराम से चलाना। अमीर औरत है यार, मंगवा ली इतनी महंगी गाड़ी ओला के लिए तो क्या हो चल गया। ऐसे बंदों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है गरीब लोगों पे। वाइनवुड का ये जो रॉकवुड हिल्स का ऊपर वाला एरिया है ना, सब अमीर बस्त अमीर ज्यादा है वहाँ पर। छोटा से छोटा बंदा भी अमीर है वहाँ पे। तो अब तुम देख लो यार, अमीर बंदा ही बेसिकली ऐसी जगह घर लेगा, गरीब तो ले भी नहीं सकता, गरीब तो नीचे डाउनटाउन में लेगा। बस यही है, चलो। ओ अरे रियल ड्राइवर की मेरे भाई बात नहीं है, तू ही वो कर रहा था, मैंने तो क्रॉस कर लिया था। अभी हमारे इंडिया में होता ना साले, तब तक तो तू मर ही जाता हमारे, अगर इंडिया में होता तो। वैसे गाइस मैं चैलेंज अच्छा निभा रहा हूँ, अभी तक मैंने एक कार को डैमेज नहीं किया, बहुत आराम से ड्राइव कर रहा हूँ। चलो ओके, वी आर हेयर। चलो या तो मैडम ने हमें $11 की टिप दी, $28 बने थे। थैंक यू सो मच सर। कस्टमर वेटिंग, ओए अभी लग जाती, कस्टमर वेटिंग फॉर पिकअप। यार मोटा जाएगा क्या? बैठ जाओ सर जी, कोई बात नहीं, अमीर होगा यार ये बंदा भी। हाँ तभी कार को अच्छी तरह देख रहा है, देख लो आ जाओ सर। मैं कहाँ छोड़ दूँ? ओ सर भी ऊपर के रहने वाले, मुझे पता था ना अमीर बंदे ही बुलाएंगे।
ओ सर क्या हो गया भाई, गाड़ी कहाँ लेके आ रहा था यार ये बंदों पे, इसीलिए तो गुस्सा आता है गाइस। कोई भी गाड़ी घुसेड़ देंगे यार, इनके बाप का राज है क्या साले। चलो चलो बढ़िया। ओ शिट 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 ओ सॉरी, हल्की सी लगी है, घिसड़ लग गई वो उस गाड़ी की उस गाड़ी के चक्कर में लगी है यार, वो भी सीने मारी है। बस कोई बात नहीं दोस्तों, इतना तो रियल में भी लग जाता है। उसके साइड मिरर्स देख पा रहे हैं गाइस, कितने ज्यादा सुंदर हैं छोटे छोटे से। हेलो सर, होली मोली। हाँ सर जी, साइड से गाड़ी में हल्की सी घिसड़ विसड़ लगी रही है, और क्या कर सकते हैं सर जी। नहीं सर जी, कन्वर्टेबल नहीं है। कन्वर्टेबल पूछ रहे हैं, कन्वर्टेबल है क्या? हाँ कन्वर्टेबल है, पर सर जी रूफ खोलने के एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। बस टिप तो गई अपनी, चलो फिक्स कर लिया जाए। टिप तो गई अपनी, अपनी टिप तो गई गाइज यार, बस यही तो होता है अपने साथ कांडबाजी। कल सुना कि माइकल दादा ने तो पोर्श ठोक दी बीबीटी से लाके, बहुत पैसे देने पड़े फिर उन्हें पोर्श के। बीबीटी वाले बहुत पैसे तारते हैं यार गाड़ियों के मॉडिफिकेशन के, कहते हैं हमने इतने लगाए यार, इतने लगे नहीं होते। तो यार अगली बार जब किराए पे गाड़ी लेने जाओगे माइकल दादा, तो 100 बार सोच लेना बीबीटी के पास जाओगे कहाँ जाओगे। पर सबसे अच्छी सुपर कार्स तो बीबीटी के पास ही हैं, पर जितनी भी कार्स बीबीटी के पास है उससे ज़्यादा ही मेरे पास है। सर का घर बहुत बड़ा है। और टिप दे दी सर ने, क्या बात है, अमीर आदमी होगा ना यार ये। कह रहा है मुझे यही गाड़ी लेने की सोच रहा हूं मैं भी। हाँ आगे है कोई। ओह माय गॉड, ये दो चाइनीज हैं, एक लड़की। अबे ट्रेसी है क्या? नहीं ट्रेसी नहीं है, इनका कुत्ता। कच्चे रास्ते से ले लेता हूँ मैडम जी, आराम से बैठिए, अपनी ही कार समझिए इसको भी, और आराम से मज़े लीजिए, हम भी चल रहे हैं। चलिए सर, ऐसे भी गाड़ी चलाने में मज़ा आता है यार, हम बस मोड़ लेते हैं एकदम एकदम, मज़ा आ रहा है गाड़ी चलने में तो, बहुत अच्छी चल रही है यार देखो। जा कहाँ रहे हो? शहर से बाहर जा रहे हैं शुक्र से। मैं कार तो काफी अच्छी चला रहा हूँ दोस्तों, जहां भी इनको जाना है वहां तो छोड़ ही दूंगा। बढ़िया, हल्की सी घिसड़ लगी है गाड़ी पे, तो $14 वो दिए, ₹50 हमने बना लिए दोस्तों। $50 करीबन 3,500 होते हैं इंडिया में टैक्सी चलाने के। दिल्ली जाओगे ना सहारनपुर से तब मिलेंगे इतने। अब बस गाड़ी को लेकर चलते हैं, अब तो ठुक भी जाए कोई फ़र्क नहीं,
आज की सवारी तो हो गई, बढ़िया। ऑफलाइन हो गए, अब हम नहीं जाएंगे किसी भी सवारी को पिकअप करने, अब हम जाएंगे बीच पर इन पैसों की दारू पीने और मज़ा करने। यार दोस्तों, जैसे मैंने सुबह बताया था ना, गरीबों की मदद किया करो यार, समझ गए? दो सौ की स्पीड है मैक्स इसकी। जब कोई सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो उसके साथ ऐसा होता है, बंदा भी गाड़ी से निकलता है भी तो कलुआ है तो बच गया, वो तो ना बचता। और कार भी ऐसी नहीं होगी, वो असल में कार तो बच भी जाती है, जो अच्छी वाली कार्स होती है ना। मुझे इस हेलीकॉप्टर से पहले पहुंचना होगा, उससे तो पहले ही पहुंच जाऊंगा। या हमें यार रिजॉर्ट में आना था। चलो तो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यार हमने भी अच्छी वाली गाड़ी लेकर आए थे, अब अंदर जाके थोड़ी पीते हैं। यहाँ अपने दोस्त के पास आया हूँ मैं, तो एक बार लाइक कर देना और शेयर कर देना हम दोस्त के साथ अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।